हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग यूनिक तरीके से समोसा टेकोस बना रहे हैं और वो भी आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। ये टेकोस रेसिपी आप घर की ही सामग्री से बना सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं बहुत ही ट्रेडिशनल समोसे को ट्विस्ट में बना रही हूं, जो सबको पसंद आएगा। ये मैंने 3/4 कप गेहूं का आटा लिया है, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम। 1/4 कप सूजी लेंगे। आटा और सूजी को मिलाकर ये 1 कप हो जाता है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं, उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लें। ये 1 चम्मच हम अजवाइन लेंगे और इसे हाथ में इस तरीके से क्रश करेंगे। इस चम्मच से मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मुठिया बन जानी चाहिए, मतलब तेल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा तेल इसमें नहीं डालना है। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, तो आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे एक बार और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो बना लेंगे। इसका डो हमें सख्त लगाना है, पूड़ी के डो जैसा। तो देखिए, इस तरीके से हमने डो लगा लिया है। अब इसे प्लेट से ढककर रख देंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने ये 5 आलू लिए हैं, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। और अब इसमें हम एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। ये मैंने 4 से 5 सूखी लाल मिर्ची ली थी, जिसे हाथ से इस तरीके से क्रश कर लिया है मैंने। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सिका हुआ जीरा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह चावल का आटा भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमें इसे बाइंडिंग के लिए डालना है, तो हम अच्छे से अब इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरी स्टफिंग ये तैयार हो गई है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा हम स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से हम इसका सिलेंडर बना लेंगे। आपको जिस साइज़ का स्नैक्स बनाना है उस साइज़ का आप सिलेंडर बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइज़ में हम सभी सिलेंडर बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सभी स्टफिंग तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स, हमने ये जो डो बनाया था इसे हम 2 मिनट एक जैसा और कर लेते हैं। अब हम इसका एक बड़ा पेड़ा बना लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सूखा आटा नहीं लगाना है आपको, इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से बेलेंगे। देखिए, इसे इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और मोटा भी नहीं। अब हम एक फोक लेंगे और इस तरीके से हम प्रिक करेंगे ताकि जो हमारी आटे की जो ये पूड़ी है वो फूलेगी नहीं फ्राई होने पर। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे प्रिक कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक गिलास ले रही हूँ, आपके पास कटोरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास कोई कटर हो तो वो ले सकते हैं। और इस तरीके से हम गोल गोल पूरी कट कर लेंगे। अब इसका जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसे हम निकाल लेंगे और देखिए कितनी सुंदर एक जैसी पूड़ियाँ बनी हैं। आपने जो सिलेंडर बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही आप ये पूड़ियाँ बनाएं। फ्रेंड्स, ये मैंने 2 बड़े चम्मच मैदा लिया है और इसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक पतला पेस्ट बना लेंगे।
देखिए इस तरीके से पेस्ट बना लेना है। अब फ्रेंड्स हम टेकोस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक साइड प्रिक किया हुआ है और एक साइड प्लेन है, तो जिस साइड प्लेन है उस साइड हम स्टफिंग रखेंगे जो हमने सिलेंडर बनाए थे, और इसी तरीके से हम पूरी को फोल्ड कर देंगे और टेकोस का हम शेप दे देंगे। तो आपको इस तरीके से अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये हम जब फ्राई करेंगे तो पूरी और स्टफिंग अलग ना हो। तो आप इसको इस तरीके से चिपका दें और इसको टेकोस का शेप दे दें। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, इसे बहुत अच्छे से आपको सब तरफ से दबाना है और अच्छे से चिपकाना है पूड़ी को, ताकि ये हम फ्राई करें तो खुले नहीं। फ्रेंड्स अभी टेकोस रेडी नहीं हुए हैं, इस बार हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया था वो लगाएंगे। बहुत अच्छे से हम इसे लगा देते हैं, इसे स्टफिंग बाहर नहीं आएगी। और इस पर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तो जब ये फ्राई होएगा तो बहुत सुंदर लगेगा। इस तरीके से हम सभी टेकोस तैयार कर लेते हैं। आप जब इसमें तिल डालें तब इसे इस तरीके से उंगली से प्रेस कर दें ताकि ये फ्राई करने पर ये निकले नहीं। सभी टेकोस मैंने तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए, मैंने फ्रीज में से निकाल लिया है और देखिए ये कितने अच्छे से ड्राई हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ये फ्रीज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं। पैन में हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें हम सभी टेकोस डाल देते हैं। और तेल आपको बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस मीडियम ही गरम करना है। इसे हम 5 मिनट स्लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि जो नीचे की पूरी है वो कच्ची नहीं रहे। गैस की फ्लेम तेज कर देंगे और इसे हम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। और मैंने अभी तक फ्रेंड्स इसमें चम्मच नहीं लगाई है, तो आप इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं लगाएं नहीं तो ये टूटेंगे। देखिए अब मैं इसमें चम्मच लगा रही हूँ और चेक करती रहूँगी बीच बीच में। तो इसे हम गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है, गुलाबी कलर। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने नीचे की पूड़ी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखी है, इसलिए ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और इसकी जो नीचे की पूड़ी है वो भी बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है, देखिए गुलाबी हो गए हैं ये अच्छे से। फ्रेंड्स हमारे ये सभी टेकोस रेडी हो गए हैं, इसी तरीके से आप सभी टेकोस फ्राई कर लें। फ्रेंड्स मैंने टेकोस की प्लेटिंग कर ली है, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं दिखने में और कितने यम्मी दिख रहे हैं, और ये खाने में भी उतने ही यम्मी हैं। आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँ।